डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की डिस्पेंसरी का कोई काम शुरू करवाया आपने? अभी स्टार्ट नहीं करा। कुत्सिया मैम ठीक है? सलाम बोलिएगा मैम मेरा, काफी मेरा को साल से भी ज्यादा हो गया देखे हुए। ये बच्चों को टाइमिंग क्या दी हुई है? 8 बजे है ना टाइमिंग क्लास की? 8:10 पे होते हैं वैसे तो, 8 बजे होती थी क्लास में तो। उठते नहीं है ना बॉयज आए थे, मैंने उनसे बोला आप लोग क्लास क्यों नहीं ले रही है बताएं, आप लोगों को पढ़ना वढ़ना नहीं है कि क्या करना है? ये छुट्टियां क्यों, ये ऐशो आराम के लिए मिली है तो मौका मिला है तैयारी कर लें, आप लोग इम्तिहान की याद करें, क्लास लें। एक दोनों तो कहा कि हमारे पास मोबाइल भाई का होता है वो ले जाते हैं, टच मोबाइल ही नहीं है अरबाज वगैरह जैसा, बाकी देर से उठते हैं सो सो के। अजीब अजीब बच्चे हैं, पता नहीं कितनी देर से सोना देर से उठना, सारी तबीयत इनकी ख़राब नहीं होती? मेरी तो एक दिन भी ऐसा कर लूँ ना मेरी तबीयत ख़राब हो जाती। देर से सोना देर से उठना बिल्कुल गलत चीज़ है। पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं यहाँ पे एक, लेकिन शो नहीं हो रहा। अच्छा स्क्रीन क्यों चली गई इसकी? पिछला याद कर रही हैं जो दिया था मिड टर्म में, थोड़ा थोड़ा उसको रिवीजन करते रहे, भूल जाते हैं फिर। रोज का काम रोज कर लेना, बर्डन नहीं पड़ता रोज का, जैसे आज मिले आज का काम कर लिया उसी वक्त, उसके बाद उसको याद भी कर लिया, जब रिवीजन करते हैं ना तो आसानी होती है। रिविजन करने में जैसे हम दोहराने लगते हैं ना तो हमें याद किया हुआ आ जाता है, भूल जाएंगे, आसान हो जाता है याद करना।
8-10 तो हो गए, पर नहीं बच्चे क्या है। ये किस्सा फातिमा कहाँ से आ गई? एट की क्लास तो नहीं है, रिमूव कर रही हूँ, ये हो ही नहीं है यहाँ से। एट का तो सेट नहीं कर दिया मैडम ने गलती से, मैंने उन्हीं से करवाया। देखो एक मिनट एक मिनट, शायान खान, हाँ शायान खान हमारी क्लास का। इसमें जाते हैं मोर पे, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की डिस्पेंसरी जो है हम पढ़ा दिया था, समझा दिया था, रीडिंग हो गई थी, तारुफ भी हो गया था मुसन्निफ का। अब हम सारी आज लिखवाई का काम करेंगे, लिखवाई होगी आज इसकी, सारा रिटन वर्क होगा। नोटबुक निकाल लीजिए, अल्फाज मायने में आपको पहले से ही आप लोग लिख लिया करें ना, जब जब चैप्टर समझा देती हूँ ना मैं, उस चैप्टर समझाने के फौरन बाद जो है अल्फाज मायने इसके पेज बना के ना अल्फाज मायने लिख लिया करें। अल्फाज मायने सारे बुक में मौजूद होते हैं, उसके बाद सवाल जवाब डायरेक्ट शुरू कर दिया करूँगी। सवालों के जवाब लिखवा रही हूँ, नोटबुक तैयार कर लें, नोटबुक निकालें, लाइन ड्रॉ करें, डेट डालें और ऊपर सवालों के जवाब हेडिंग डालें, सवाल नंबर एक की जगह छोड़ें, फिर मैं जवाब बोलती हूँ। शायान आपको आवाज आ रही है मेरी? जवाब दीजिएगा। जी हाँ तो अब स्टार्ट करूं मैं? जी रेडी, चले जवाब लिखिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। नहीं 6-7 की तो यहाँ रखी है, मैं शबाना की क्लास है। हाँ जवाब लिखिए। कुदरत, पहला सवाल है, चौकीदार ने डाक बंगले की छत गायब होने की क्या वजह बयान की थी? उसका जवाब है कुदरतुल्ला शहाब, कुदरतुल्ला शहाब। मिस्टर उर्दून करानी है।
उर्दू पढ़ा रही हूँ ना, पहला उर्दू का यूनिट होता है, तो उर्दू का मैंने चैप्टर समझा दिया था, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की डिस्पेंसरी। ठीक है, अब उसके सवाल जवाब लिखवाना तो अभी स्टार्ट कर रही हूँ आज। पहला सवाल है, चौकीदार ने डाक बंगले की छत गायब होने की क्या वजह बयान की, उसका जवाब लिखें। अल्फाज मायने, इससे पहले अल्फाज मायने लिख लीजिएगा, एक पेज पे आ जाएंगे, आगे पीछे का एक पेज है ना वो छोड़ दीजिएगा, इसके अल्फाज मायने बुक से देख के लिख लीजिएगा, पेज बना लीजिएगा इस सबक का, और फिर सवाल जवाब शुरू हो रहे हैं। कुदरतुल्ला शहाब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के डाक बंगले में गए। कुदरतुल्ला शहाब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के डाक बंगले में गए कुदरतुल्ला शहाब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के डाक बंगले में गए तो देखा कि डाक बंगले की छत गायब है। तो देखा कि डाक बंगले की छत गायब है। पहले सोचने लगे कि शायद, पहले सोचने लगे कि शायद, पहले सोचने लगे कि शायद ओपन एयर थिएटर की तरह, ओपन एयर थिएटर की तरह पहले सोचने लगे कि शायद ओपन एयर थिएटर की तरह ओपन एयर डाक बंगला हो। ओपन एयर थिएटर की तरह ओपन एयर डाक बंगला हो, मगर चौकीदार ने बताया, मगर चौकीदार ने बताया मगर चौकीदार ने बताया दरअसल ये 1950 के सैलाब की वजह से हुआ है। दरअसल ये 1950, 1950, 1950 के सैलाब की वजह से हुआ है। सैलाब में सैलाबी रेले की वजह से छत बह गई। सैलाब में सैलाबी रेले की वजह से छत बह गई। रेले, रेले, रे ये लाम बड़ी है। सैलाबी रेले की वजह से छत बह गई। अब दूसरा सवाल है, मुसन्निफ ने देहात में घूमने के शौक की क्या वजह बयान की। मुसन्निफ ने देहात में घूमने के शौक की क्या वजह बयान की। दूसरा सवाल लिख लीजिए। बुक ओपन करके बैठिए शायान, दूसरा सवाल लिख लें। जवाब लिखें। मुसन्निफ चूंके डिप्टी कमिश्नर थे, मुसन्निफ
मुसन्निफ चूंके डिप्टी कमिश्नर थे, मुसन्निफ और डिप्टी कमिश्नर अचानक से और डिप्टी कमिश्नर अचानक से अपने जिले का दौरा करते हैं और डिप्टी कमिश्नर अचानक से अपने जिले का दौरा करते हैं अचानक से अपने जिले का दौरा करते हैं अचानक इसलिए अचानक इसलिए कि इतला दिए बगैर जाने से कि इतला दिए बगैर जाने से के इतला दिए बगैर जाने से वहां के हालात वाजे तौर पर सामने आ जाते हैं वहां के हालात वाजे तौर पर सामने आ जाते हैं इसलिए वो अक्सर बगैर इतला दिए इसलिए वो अक्सर बगैर इतला दिए इसलिए वो अक्सर बगैर इतला दिए दूर दराज देहातों में घूमने के बहाने चले जाया करते थे घूमने के बहाने चले जाया करते थे घूमने सवाल नंबर 3 उतार लीजिए मुसन्निफ को गांव में जो अस्तबल नजर आया वो दरअसल क्या था? जवाब लिखे मुसन्निफ को गांव में जो अस्तबल नजर आया वो दरअसल एक अस्पताल था मुसन्निफ को गांव में जो अस्तबल नजर आया वो दरअसल एक अस्पताल था वो दरअसल एक अस्पताल था और डॉक्टर साहब धोती और बनियान पहने और डॉक्टर साहब धोती और बनियान पहने कुर्सी पर उकड़ू बैठे थे और डॉक्टर साहब धोती और बनियान पहने कुर्सी पर उकड़ू बैठे थे
और अपने घुटनों पर पर्चियां रखे, और अपने घुटनों पर पर्चियां रखे, और अपने घुटनों पर पर्चियां रखे, नुस्खे लिख लिख कर मरीजों को दे रहे थे। नुस्खे लिख लिख कर मरीजों को दे रहे थे। दे रहे थे जिन्होंने कुर्सी के चारों तरफ, जिन्होंने कुर्सी के चारों तरफ घेरा डाला हुआ था। घेरा डाला हुआ था। अब चौथा सवाल उतार लीजिए। मैं दोबारा बताइए आखिरी लाइन से। जिन्होंने जिन्होंने कुर्सी के चारों तरफ, जिन्होंने कुर्सी के चारों तरफ घेरा डाला हुआ था। इसके बाद चौथा सवाल उतार लें। मुसन्निफ ने अस्पताल के इंडोर वार्ड का वार्ड को कैसा पाया था? लिखिए, डॉक्टर साहब ने जब मुसन्निफ को, डॉक्टर साहब ने जब मुसन्निफ को इंडोर वार्ड, इंडोर वार्ड है ना, ब्लैक से लिखिएगा इन्वर्टेड कॉमास में, इंडोर वार्ड का मुआयना कराया, डॉक्टर साहब ने जब मुसन्निफ को इंडोर वार्ड का मुआयना कराया तो मुसन्निफ ने देखा, तो मुसन्निफ ने देखा तो मुसन्निफ ने देखा गालिबन, गालिबन की हिज्जे है गैन अलिफ जबर गा लाम बे अलिफ, और अलिफ बे के ऊपर जो है वो दो जबर लगाएगा, गालिबन बे अलिफ दो जबर बन आएगा यहाँ पे, ठीक है। गालिबन मुसन्निफ ने देखा कि गालिबन यहाँ भैंसे बांधी जाती हैं, गालिबन यहाँ भैंसे बांधी जाती हैं, क्योंकि वहां एक कोने पर, क्योंकि वहां एक कोने पर ताजा गोबर के निशान थे, क्योंकि वहां एक कोने पर ताजा गोबर के निशान थे, जिन्हें अभी अभी साफ किया गया था, जिन्हें अभी अभी साफ किया गया था। अब सवाल नंबर 5 उतार लीजिए।
सवाल नंबर 5 उतारिए। गांव के नंबरदार के बताने पर डॉक्टर साहब का क्या रद्दे अमल था? सवाल है, गांव के नंबरदार के बताने पर डॉक्टर साहब का क्या रद्दे अमल था? इसका जवाब लिखवा रही हूँ, पांचवे का। गांव के नंबरदार के बताने पर गांव के नंबरदार के बताने पर डॉक्टर साहब घबराहट के आलम में डॉक्टर साहब घबराहट के आलम में बेतहाशा भाग कर डॉक्टर साहब घबराहट के आलम में बेतहाशा भाग कर अपने क्वार्टर में गए अपने क्वार्टर में गए और कुछ देर बाद बनियान के ऊपर शेरवानी पहने बनियान के ऊपर शेरवानी पहने हाथ में स्टेथोस्कोप लिए हाथ में स्टेथोस्कोप लिए बरामद हुए हाथ में स्टेथोस्कोप लिए बरामद हुए। अब इसके बाद छठा सवाल उतार लीजिएगा। छठा सवाल लिखिए, डॉक्टर साहब किस हुलिये में मरीजों का इलाज कर रहे थे? जवाब लिखें छठे का। डॉक्टर साहब धोती और बनियान पहने कुर्सी पर उकड़ू बैठे कुर्सी पर उकड़ू बैठे घुटनों पर पर्चियां रखे नुस्खे लिख लिख कर मरीजों को दे रहे थे नुस्खे लिख लिख कर मरीजों को दे रहे थे जिन्होंने कुर्सी के चारों तरफ घेरा डाला हुआ था
अब नेक्स्ट पेज से लिखिएगा तारुफ मुसन्निफ, फिर तारुफ सबक, फिर मरकजी ख्याल। तारुफ मुसन्निफ की हेडिंग डाल लें। तारुफ़े मुसन्निफ़, उर्दू के मशहूर अदीब उर्दू के मशहूर अदीब कौमा अफसाना निगार कौमा सूफी सूफी और दानिश्वर कुदरतुल्ला शहाब, कुदरतुल्ला शहाब 1917 में पैदा हुए। 1917, 1917, 1917 में पैदा हुए। वालिद का नाम मोहम्मद अब्दुल्ला था। आजाद कश्मीर में सेक्रेटरी जनरल, आजाद कश्मीर में सेक्रेटरी जनरल और जिला झंग में डिप्टी कमिश्नर के ओहदों पर काम किया और जिला झंग में डिप्टी कमिश्नर के ओहदों पर काम किया। पाकिस्तान के गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद, पाकिस्तान के गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद कौमा सदर इस्कंदर मिर्ज़ा, सदर इस्कंदर मिर्ज़ा, इस्कंदर एक होता है सिकंदर, यह है इस्कंदर, अलिफ से शुरू होगा। टाइम अप हो गया क्या? खत्म? कोई भी नहीं है, चले गया। एक आज तो कोई क्लास ही नहीं ले रहा है, शायान ले रहे थे। हो जाती है क्या? ले लूं? चलें, आएंगे जब भी माइक यूज करूंगी वैसे ही बोल देती हूँ, ठीक है? या बोलूं? हाँ, वो रिकॉर्डिंग होगी ना। सदर इस्कंदर मिर्ज़ा और सदर अय्यूब खान के साथ बतौर प्राइवेट सेक्रेटरी रहे, हॉलैंड में पाकिस्तान के सफीर रहे,
पाकिस्तान की अदबी राइटर्स गिल्ड के बानी, पाकिस्तान की अदबी राइटर्स गिल्ड के बानी और अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान के एजाजी सदर भी रहे, और अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान के एजाजी सदर भी रहे। हुकूमत पाकिस्तान ने इनकी खिदमात के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने इनकी खिदमात के एतराफ में इन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने इनकी खिदमात के एतराफ में इन्हें सितारे पाकिस्तान के तमगे से नवाजा। सितारे पाकिस्तान के तमगे से नवाजा। आपकी मशहूर किताबों में या खुदा, ये भी ब्लैक से लिखिएगा, या खुदा, नफसाने माजी और सुर्ख फीता, इनकी किताबों के चारों नाम ब्लैक पॉइंटर से इन्वर्टेड कॉमाज में कर करके लिखिएगा। या खुदा, नफसाने माजी और सुर्ख फीता मशहूर हैं, सॉरी, इनकी मशहूर किताबों में या खुदा, नफसाने माजी और सुर्ख फीता मकबूल किताबें हैं। मकबूल किताबें हैं। अब मरकजी ख्याल की हेडिंग डालें। हाँ, तारुफ़े सबक की हेडिंग डालें। शहाबनामा एक आपबीती है। शहाबनामा एक आपबीती है जिसमें कुदरतुल्ला शहाब ने जिसमें कुदरतुल्ला शहाब ने अपने बचपन, जवानी और बुढ़ापे के अहवाल बयान किए हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की डिस्पेंसरी भी शहाबनामा से लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की डिस्पेंसरी भी शहाबनामा से लिया गया है। इस सबक में इस सबक में एक देहात की डिस्पेंसरी की हालत बयान की गई है। इस सबक में एक देहात की डिस्पेंसरी की हालत बयान की गई है।
जो के अस्पताल कम खर्चा और अस्तबल ज्यादा नजर आता था, आती थी, डिस्पेंसरी, जो अस्पताल कम और अस्तबल ज्यादा नजर आती थी। और उस अस्पताल की हालत जार को और उस अस्पताल की हालत जार को तंजिया और मजाहिया अंदाज में, तंजिया और मजाहिया अंदाज में पेश किया गया है। अब मरकजी ख्याल की हेडिंग डालें। मरकजी ख्याल, इस आप बीती में मुसन्निफ ने इस आप बीती में मुसन्निफ ने जो जिला जंग के डिप्टी कमिश्नर थे, जो जिला जंग के डिप्टी कमिश्नर थे, डाक बंगले और डिस्पेंसरी की हालत-ए-ज़ार बयान की है। डाक बंगले और डिस्पेंसरी की हालत-ए-ज़ार बयान की है। बयान की है। डाक बंगले की छत गायब थी। डाक बंगले की छत गायब थी। डिस्पेंसरी और डॉक्टर साहब, की हालत भी नाकाबिले बयान थी। डिस्पेंसरी और डॉक्टर साहब की हालत भी नाकाबिले बयान थी। डैश दूर उफ्तादा गांव में, दूर उफ्तादा गांव में सरकारी अस्पताल की, दूर उफ्तादा गांव में सरकारी अस्पताल की हालत ऐसी होती है, सरकारी अस्पताल की हालत ऐसी होती है कि सफाई सुथराई और जरूरियात का के सफाई सुथराई और जरूरियात का ख्याल तभी रखा जाता है, जब कोई बड़ा ओहदेदार,
जब कोई बड़ा ओहदेदार दौरे पर आता है, जब कोई बड़ा ओहदेदार दौरे पर आता है, दवाइयों का स्टॉक ना होने के बराबर होता है, दवाइयों का स्टॉक ना होने के बराबर होता है, दवाइयों का स्टॉक ना होने के बराबर होता है, जबकि बजट बाकायदगी से मंजूर होता है। जबकि बजट बाकायदगी से मंजूर होता है। बाकायदगी की हिज्जे है बे अलिफ ज़बर बा काफ अलिफ ज़बर का आइन दाल गाव छोटी है। बाकायदगी से मंजूर होता है। कुदरतुल्ला शहाब ने इस आबिती में इस आबीती में तंजिया अंदाज में इस आबीती में तंजिया तोए से आएगा। तंजिया तोए नून जे ये और वो छोटा सा हे जो नीचे कर देते हैं। तंजिया अंदाज में डिस्पेंसरी और डाक बंगले की मालूमात फराहम की कि जिसको पढ़कर कारी कौफ कौफ से आएगा कारी कारी महजूज हुए बिना ना रह सकेगा। महजूज मीम है बड़ी है आएगा मीम है ज़ाद वाव ज़ोए महजूज हुए बिना न रह सकेगा। ये मरकजी ख्याल हो गया इसका। इसके अलावा मैंने ना जुमले बोले थे आपको, जुमले बना लीजिएगा। इसमें जुमले हैं, खाली जगह हैं, कसीरुल इंतखाबी हैं, सही गलत हैं, ये सब बता चुकी हूँ मैं। इसको आप लोग सारा काम कंप्लीट करके और एक खत दिया हुआ है यहाँ पे, वो खत बताती हूँ मैं कैसे करना है। खत दिया हुआ है यहाँ पे कि अपने इलाके की डिस्पेंसरी या अस्पताल की सेहत व सफाई के बारे में मुतल्लिका महकमे को खत लिखिए। खत का तरीका बताया था, ये खत रस्मी है गैर रस्मी नहीं है, ठीक है। रस्मी खत में हमें ऊपर जो तरीका मैंने खत का बताया था ना कि कमरे इम्तिहान, ठीक है, जहाँ पे मार्जिन लाइन होती है, मार्जिन लाइन के फौरन राइट हैंड पे ही, वहीं से शुरू कर देते हैं मार्जिन लाइन के साथ ही ऊपर राइट हैंड पे, कमरे इम्तिहान नॉर्थ नाजाबाद टाउन तारीख, ये उसके नीचे आएगी तारीख। फिर उसके बाद उस महकमे के जो बड़ा अफसर होता है ना, जैसे हम किस कहाँ लिख रहे हैं ये खत, किसी डिस्पेंसरी या अस्पताल की सेहत व सफाई के बारे में, उस महकमे से के मुतालिक, इस महकमे के कोई बड़े ओहदेदार को हम खत लिख रहे हैं। तो एक अस्पताल है, जैसे सरकारी अस्पताल होता है, सरकारी अस्पताल का कोई बड़ा जो होता है ना, उस अस्पताल का बड़ा डायरेक्टर होता है, ठीक है, महकमा सेहत। तो आप लिखेंगे जनाब डायरेक्टर साहब महकमा सेहत कराची, ठीक है, इस तरह से उनको मुखातिब करना है। अस्सलाम वालेकुम के बाद डायरेक्ट अपना मुद्दा बयान कर देते हैं, सलाम दुआ और खैर खैरियत नहीं लिखते इसमें, ठीक है, जैसे हम गैर रस्मी में लिखते हैं ना कि और क्या हाल चाल है, खैरियत से हो, तुम्हारा खत मिला और ये है वो है। ये हम गैर रस्मी खतू जो हमारे रिश्तेदारों को या दोस्तों को या पेरेंट्स को लिखा जाता है तो उनको ये सब कुछ लिखते हैं, लेकिन जब हम कोई रस्मी खत लिखते हैं किसी डायरेक्टर को या किसी इदारे के महकमे के अफसर को, आला अफसर को, तो हम ये सब कुछ नहीं लिखते, डायरेक्ट हम अपना मुद्दा बयान कर देते हैं, अपनी जो प्रॉब्लम है ना वो बयान करते हैं। तो ये खत जो है
इलाके की डिस्पेंसरी या अस्पताली, डिस्पेंसरी तो खैर नहीं, अस्पताल जो हमारा है ना सरकारी, उसकी वैसे भी सफाई सुथराई का ख्याल नहीं किया जाता। तो जब इस तरह से लिखिएगा कि इदारे के महकमे को आपने वो किया, मुखातिब किया, फिर उसके बाद लिखा कि जैसे हमारा जो है एक मरतबा सरकारी अस्पताल जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ हमने जो सफाई की सूरत हाल देखी वो काबिल कदर या काबिल रश्क नहीं थी, इसीलिए तो लोग प्राइवेट अस्पतालों का रुख करते हैं। तो गरीब बेचारा कहाँ जाए, जब मैंने वहाँ की हालत ज़ार देखी उस अस्पताल की, तो मैं लिखने पर मजबूर हो गई कि आपको इसकी मालूमात फराहम करूँ कि वहाँ की सेहत और सफाई की हालत बिल्कुल जो है तसल्ली बख्श नहीं है, और वहाँ जगह जगह सिरिंजे पड़ी हुई हैं, डस्टबिन का कचरा नीचे पड़ा हुआ है, मक्खियाँ बिन बिन आ रही हैं। इस तरह की जो भी हालत होती है ना आमतौर पर सरकारी अस्पतालों की, वो लिखने के बाद एक पैराग्राफ में, अब इतना छोटा भी खत मत लिखिएगा कि जैसे लगे कि पांचवी छठी के बच्चे ने लिखा है, 10 ग्रेड के बच्चे ने, तो बड़ा पैराग्राफ थोड़ा सा तफसील से वही बात करके, फिर उसके बाद आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इस तरफ तवज्जो दें ताकि जो गरीब तबका है वो भी सेहत और सफाई की अच्छी सहूलियात से फायदा उठा सके, जो कि प्राइवेट अस्पतालों में या निजी अस्पतालों में जाने की जो इस्तेतात नहीं रखता, तो वो सरकारी अस्पताल में जाकर अपना इलाज मुआवजा कराए, जो एक इंतहाई जरूरी चीज है। इस तरह करके, और फिर नीचे लिखिएगा कि अपना जो है किसके लिए, अहलियाने मोहल्ला की तरफ से आपने लिखा है, या आपने अगर खुद लिखा है तो अलिफ बे जीम करके नाम नहीं लिखा जाता वहाँ पे, नहीं मुखातिब लिख के नीचे लिख दीजिएगा अलिफ बे जीम, या किसी भी खत में, रस्मी खत में देख लीजिएगा क्या लिखते हैं। अगर आप अपनी तरफ से लिख रहे होंगे तो फिर वो चीज़ लिखिएगा अलिफ बे जीम, नाम नहीं लिखते हैं, कि रिश्तेदारों को जो लिखा जाता है उसमें नाम भी लिख सकते हैं, इसमें नहीं लिखते, ठीक है। और या किसी अपने मोहल्ले की तरफ से अगर दिया जा रहा है वहाँ पे सब मिल के अगर ये दरखत लिख रहे हैं उस इदारे को, तो फिर अहलियाने मोहल्ला लिखते हैं, वरना तो अपना नाम नहीं लिखते, अलिफ बे जीम लिखते हैं। या एक आपका वेलविशर को क्या बोलते हैं, वेलविशर, या पाकिस्तान का वेलविशर, खादिम लिख दीजिए आप, हाँ आप क्या, खादिम और अलिफ बेचें, खादिम या अलिफ बेचें, बस ये हो गया। अच्छा उस ये खत हो गया, खत के बाद ये एक आपबीती की डेफिनेशन लिखी हुई है वो लिख लीजिएगा, बस इसमें इतना ही काम है और कुछ नहीं है। आप बीती की डेफिनेशन है, खत है, खाली जगह है, सही गलत है, कसीरुल इंतखाबी है, सवाल जवाब है, मुसन्निफ का वो लिखवा दिया, सबक का लिखवा दिया, और मरकजी ख्याल, ये चैप्टर हो गया ख़त्म। ये मैंने दिया है शायद इसी असाइनमेंट में, मैंने यही दिया है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की डिस्पेंसरी के तमाम काम याद भी करना है उसको और लिखना भी है। अच्छा कितना वक्त है, आज जुम्मा है ना, हाफ हाफ, लेकिन इसमें टाइम क्यों नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है कुछ। अच्छा, वो खुद कर देते हैं लेकिन यहाँ पे ना, अच्छा इस्लामियत का है अभी टाइम, 9 बज रहे हैं, इस्लामियत का थोड़ा मुझे, चलो इस्लामियत निकाल लें ताकि मैं उसका वो लिखवा लूँ जो लिखवा रही थी ना हदीस है, वो कब शुरू होगी, ये ख़त्म है, ऑफ कर दें क्या, चलें चलें ठीक है, किताब क्लास ख़त्म हो गई है, अस्सलामुअलैकुम, एंड अस्सलामुअलैकुम, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।